हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आज मैं देखने जा रहा हूँ यामाहा एसजे डबल आर का फ्रंट फॉर्क ऑयल मेजरमेंट कितना है और किस लिए चेंज करना चाहिए, वो आज आपको ये वीडियो के जरिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मैं बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आइए अभी ये फ्रंट फॉर्क ऑयल चेंज करने वाला हूँ, तो पहले आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ ये फ्रंट फॉर्क ऑयल मेजरमेंट कितना करना चाहिए और ये जेन्युइन में कितना प्राइस है और फ्रंट फॉर्क का पाइप भी चेंज करने वाला हूँ। आइए आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसका हालत, ये ऑयल सील बार बार चेंज करने से भी ये रहेगा नहीं, ये लीकेज होगा ऑयल, इसलिए ये पाइप को भी चेंज करने वाला हूँ। और ये पाइप का प्राइस भी कितना है वो भी आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो के जरिए से। पहले इसको खोल के आपको दिखाता हूँ और कैसे किस तरह से ऑयल सील को बैठाना चाहिए। आइए, देख लीजिए इसका पार्ट नंबर और एमआरपी, ये एमआरपी है, इसका पार्ट नंबर भी देख लीजिए।
एक पुराना वाला। देखिए दोस्तों, ये यामा का जेनुइन, और इसका गेज भी देख लीजिए 10W 20W रहता है। और ये 10W कितना देना है अभी ये मैं डाल के आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये टोटल 500 ml दोस्तों। अभी इसका हाफ आधा एक में डालना है और आधा दूसरा में डालना है। देखिए 250 ml, देख पा रहे 250 ml। इसमें आधा है या आधा ही डालना है या क्या? दोस्तों मैंने जिस तरह से ये ऑयल चेंज करना कितना डालना है वो देखने की आपको कोशिश की, वो जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह इसे हम सेट कीजिए, पहले जिस तरह से खोला था उस तरह सेट कीजिए। और वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। ओके दोस्तों, बाय।